अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेक श्योर यू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पहले इंट्रोडक्शन पर देखते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी बहुत सारे वेज में जो है ना डिफाइन की जा सकती है। इसमें जो है सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी है कि इसका एबनॉर्मल बिहेवियर का, जाहिर बात है एबनॉर्मल साइकोलॉजी किस पे पढ़ रहे हैं लोग, जो एबनॉर्मल बिहेवियर किसी बंदे का जो भी इसमें बिहेवियर में पैटर्न आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वो होगी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एक एफर्ट होती है टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन एंड चेंज एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग, के जो ह्यूमन फंक्शनिंग है वो क्यों, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो क्यों आ रहा है। किसी के अंदर जेनेटिकली होती है, किसी को कोई जो है ना अपने इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। 4 Ds होती हैं इसमें, क्या है, डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और है डेंजर। डेवियंस क्या है, ये इसमें एक्सट्रीम अनयूजुअल होता है, इज टू डेविएट विच इज़ डिफरेंट, जो कि डिफरेंट होता है, एक्सट्रीम होता है, अनयूजुअल और परहैप्स इवन बिजार। ये सोसाइटल रूल से डेविएशन होती है, सोसाइटल रूल से होती है वो, जो कि सोसाइटी में जो भी मेम्बर्स होते हैं उसके थ्रू होती है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसमें अगर जो सोसाइटी के आइडियाज़ होते हैं, उस किसी भी इंसान के जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में, जो कि किसी की अपब्रिंगिंग में हो एबनॉर्मलिटी मतलब पैदा करते हैं, तो वो जजमेंट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी वेरी फ्रॉम सोसाइटी सोसाइटी एज नॉर्म्स आर स्पेसिफिक, कल्चरल स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल किसी की सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जो भी डिफरेंस, हर सोसाइटी में अपने कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो भी होते हैं ना वो कल सोसाइटी अपने उसके मुताबिक उसको जिस बंदे को जज करती है कि औरतों के उठने का बिहेवियर, आदमियों के, लड़कों के माँ बाप सिखाते हैं कि लड़कियों का कलर क्या है, लड़कियाँ कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं। फिर जैसे इसी तरह वेस्ट में जो है और मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान में जो है नहीं करते, मतलब अच्छा करते हैं लेकिन इतना अभी इतना इन आहिस्ता आहिस्ता ही हो रहा है। वैन अ बिहेवियर इंडिविजुअल, और जब सोसाइटी में से कोई बंदा एबनॉर्मलिटी अपने जो है ना इर्द गिर्द के माहौल से डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाए तो उसको वो कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। डिस्ट्रेस क्या है, इज अ हॉलमार्क है ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक हॉलमार्क है। अनप्लेजेंट कोई भी चीज़ जब किसी इंसान को बुरी लगने लगे, अपसेट करने लगे, तो वो डिस्ट्रेस कहलाता है। अगर कोई इंसान अपसेट है एंड एगिटेटेड, कोई मतलब कि अपसेट है और वो किसी भी डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करती है, अपने बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करती है। बिहेवियर आइडियाज़ और इमोशंस यूजुअली हैव टू कॉज डिस्ट्रेस बिफोर दे कैन बी लेबल्ड एबनॉर्मल। जो भी किसी भी इंसान के बिहेवियर होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो पहले डिस्ट्रेस कॉज करती है, फिर उसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। डिसफंक्शन क्या है, ये डेली फंक्शनिंग में जो है ना इंटरफेयर करती है, तो इसको कहते हैं डिसफंक्शन। एबनॉर्मल बिहेवियर टेंड्स टू बी डिसफंक्शनल, इट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शन, डेली फंक्शनिंग के साथ जो है ना हमें तंग करती है किसी को इंसान के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फोबिया होता है, किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को किसी भी चीज़ का फोबिया हो जाता है, तो वो जो होते हैं ना डिसफंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट हैविंग सोशल फोबिया, किसी भी रिसेप्शनिस्ट को सोशल फोबिया होगा तो वो अपने डेली के टास्क उसको ना लोगों को अटेंड नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे डेली फंक्शनिंग में जो भी हमें चीज़ एबनॉर्मलिटी कॉज करती है उसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। डेंजर क्या है, जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर, या तो वो अपने आप के लिए डेंजर बन जाए या दूसरों के लिए डेंजरस हो जाए, तो वो होता है डेंजर। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर सोसाइटल थॉट्स आ जाए कोई भी, और या तो दूसरों को मारने के ऐसी हरकतें करने लग जाए, तो वो डेंजर बिहेवियर होता है। जो 4 Ds हमने डिस्कस कर लिए। अब DSM-5 क्या है, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। DSM स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, एक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, जो कि इसमें डिफाइन किया, ये DSM-5 एक मैनुअल है, ठीक है। इसमें डिफाइन कैसे करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को, कहते हैं कि इट इज़ अ सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, कि एक इंसान की कॉग्निशन में, सोचने की सलाहियत में जो है ना डिस्टर्बेंस आ जाती है, इमोशन रेगुलेशन, इमोशंस में चेंजेस आ जाती है, या बिहेवियर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है डिसफंक्शन, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, बिहेवियर में डिसफंक्शन जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है।
इन साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल और डेवलपमेंट प्रोसेसेस अंडरलिंग मेंटल फंक्शन, और जिस जो कि साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, उसके प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, और जो डेवलपमेंट में भी जो तो मसले आ सकते हैं। तो ये कहती है DSM-5, DSM-5 एक मैनुअल है, ठीक है। ओके, DSM-5 के मैनुअल में ये कहते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर की हमने डेफिनेशन कर दी है कि DSM-5 में कैसे करते हैं आगे है। फोर मेजर क्राइटेरिया हैं जिनको हम एबनॉर्मल बिहेवियर के तौर पे हम लोग जो है ना उसको असेस कर सकते हैं टू बी लेबल एज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया के जो इंसान की ट्रेट्स हैं, थिंकिंग या बिहेवियर है, वो इस क्लासिफाइड एज एबनॉर्मल इफ़ इट इज़ रेयर और स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल। अगर वो रेयर है या स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल है, मतलब कुछ लोगों को कोई भी मसले होते हैं, या जैसे ऑटिज़म वगैरह है या टर्नर्स सिंड्रोम वगैरह है, तो वो जो है ना रेयर होते हैं या कम होते हैं, या XXY सिंड्रोम जो हमने पढ़ा हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, सॉरी। तो वो जो है ना वो उसके मुताबिक स्टैटिस्टिकली जो है ना चेक करते हैं स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया क्या है, क्या या ये जो बीमारी है वो रेयर है, ये कित क्या इसका है रेशियो, क्या है इसकी स्टैट्स क्या पर हो रही है, पर्सनल डिस्ट्रेस क्या है, दैट इज़ अ पर्सनल बिहेवियर मे बी क्लासीफाइड एज डिसऑर्डर। जो भी इंसान का बिहेवियर है उसको क्या नाम है डिसऑर्डर के तौर पर क्लासीफाई किया जाता है। अगर वो उसको कोई भी बिहेवियर है उसको इंसान को डिस्ट्रेस अनप्लेजेंट, डिस्ट्रेस हमने पढ़ा था अनप्लेजेंट हो रहा होता है, उसके लिए अपसेटिंग होता है, तो वो होता है डिस्ट्रेस। अब पर्सनल जो भी बिहेवियर है मे बी क्लासीफाइड एज डिसऑर्डर्ड बिहेवियर, आइडियाज़ और इमोशंस हैव टू कॉज डिस्ट्रेस। जो भी बिहेवियर होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो डिस्ट्रेस जो है ना, जब वो डिस्ट्रेस पैदा करती है तो वो एबनॉर्मलिटी कहलाती है, एबनॉर्मल कहलाती है। कुछ डिस्ट्रेसेस होते हैं कहते हैं कि जो कि साइकोलॉजिकल नहीं होते, लेकिन वो एंड हेंस द बिहेवियर विल नॉट बी लेबल्ड एज एबनॉर्मल। जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल नहीं कहलाया जाता। वो दिस फंक्शन क्या है, इंटरनल मैकेनिज्म इज़ अनेबल टू परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शन। जब हमारे अंदर के जो चीज़ें हैं वो अब नेचुरली परफॉर्म ना कर सकें सही से, तो वो डिसफंक्शन कहलाता है। और डेली फंक्शनिंग में हमें मसले होते हैं, पीपल कैन नॉट कैरी, और हाँ भी जैसे हमने ऊपर रिसेप्शनिस्ट की जो एग्जाम्पल पढ़ी थी, वॉयलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स क्या आता है कि हम सोसाइटी और कल्चर के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक नहीं चल रहे होते, हम लोग डिफरेंट तरीके से हमारे पैरामीटर डिफरेंट कर लेते हैं, हम अपनी तरह से चलते हैं, और सोसाइटी जब हमें जज करने लग जाती है, सोसाइटी में जब कोई चीज़ जो है ना एबनॉर्मल, वो कहते हैं कि ये सोसाइटी के तर्ज के तौर पर नहीं है, ये गलत है, ये अपने ही कहते ना मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, तो सोसाइटी के मुताबिक नहीं चलते। जो सोसाइटी सोशल नॉर्म्स हैं वो बिहेवियर को किस पे जज करती है, गुड और बैड पे, राइट और रॉन्ग पे, जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड पे, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल पे। कॉसेज ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, हमारे बायोकेमिकल हमारे अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, जेनेटिक्स फैक्टर जो होते हैं, टू मेजर क्लस्टर्स होते हैं, इसमें टू मेजर क्लस्टर्स इंक्लूड होते हैं एबनॉर्मलिटी में, ठीक है। पहले आता है जेनेटिकल फैक्टर्स, जेनेटिकल फैक्टर्स में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारा 23rd पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, उसमें डिसेबिलिटी आने लग जाती है, जो कि जेनेटिक जीन्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, इनहेरिट करते हैं। और जो ज़्यादातर जो है ना क्लोज कज़न मैरिजेस में ज़्यादातर जेनेटिक जो है ना एबनॉर्मलिटीज आती हैं। और जीन्स हैव फाउंड टू बी कंट्रीब्यूटर्स इन, और जीन्स का जो जीन्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे लिए, किसी भी इंसान के जब पैदा होता है वो उसमें सारा जो है ना अपने जीन्स का ही, मतलब अगर उसकी आइज़ का कलर देख लें, हेयर कलर देख लें, स्किन कलर देख लें, तो सब जो है ना जीन्स का एक रोल होता है हमारी। और कह रहे हैं जेनेटिक फैक्टर्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन इम्प्लीकेटेड स्किजोफीनिया और डिप्रेशन में, भी जेनेटिक फैक्टर्स एक रोल अदा करते हैं कि किसी को अगर स्किजोफीनिया है तो क्या पता उसके जीन्स में भी कोई मसला हो या जेनेटिकली उसने इनहेरिट किया हो। बायोकेमिकल इम्बेलेंसेज क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर इम्बेलेंसेज होते हैं, किसी चीज़ की कमी या ज्यादती हो जाती है, तो उसकी वजह से हम लोग जो है ना एबनॉर्मलिटी आने लग जाती है किसी भी इंसान के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना हार्मोन्स प्रेजेंट करती है, जब हार्मोन्स के अंदर जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे अंदर इम्बैलेंसेज आने लग जाते हैं। चेंजेस टू नर्वस सिस्टम, अब हमारे जब नर्वस सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस आने लग जाती हैं। जो हमारा ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एज अ सेंट्रल यूनिट है एक इंसान के अंदर, अगर उसके अंदर कोई भी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सॉरी ब्रेन कह दी मैंने ऊपर, नर्वस सिस्टम जो है हमारा जो खून का मतलब होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो हमारे अंदर जो है ना जो नालियां वगैरह होती हैं, हमारे नर्व्स होती हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं या फंक्शनल चेंजेस होती हैं, तो फिर इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ या फैक्टर्स क्या होते हैं,
अब कॉजेज क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे हमने पढ़ा था, रिप्रेशन वगैरह, डिनाइल, तो इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट, बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स टू फ्रॉइड, सम इन हम कह रहे हैं नीड और विश जो है ना, अगर हमारी कोई भी नीड या विश जो है ना अनफुलफिल्ड रह जाती है, कि सोसाइटी अगर अप्रूव नहीं करती, कि कहते हैं माँ बाप कहते हैं सोसाइटी क्या कहेगी, तो वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकती है, या किसी भी तरीके से हमारे कोई भी विशेज जो है हमारी पूरी नहीं होती, अनफुलफिल्ड रहती हैं, तो फिर वो डिस्टर्बेंसेस पैदा करती हैं। लर्न रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स जो लर्न होता है, जो कि हम सोसाइटी से लर्न करते हैं, अपने पेरेंट्स से लर्न कर सकते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं, अब नॉर्मेलिटीज अगर उनके पेरेंट्स में होते हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, तो वो बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स से भी लर्न करते हैं, सोसाइटी से भी लर्न करते हैं। तो बच्चे माँ बाप जो है ना ज़्यादा है, उनको अंदर गुस्सा है, एग्रेसिव है, तो वो बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर कोई भी पेरेंट है वो ग्लूमी, अकेला रहना पसंद करता है, या वो बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है, तो जी वो बच्चों के अंदर भी वही आ जाती हैं खसूसियात। नेगेटिव इरेशनल कॉग्निशंस क्या होती है, कॉग्निशन कहते हैं कितनी सोचने की सलाहियत, टूवर्ड्स है ऑलवेज सीज नेगेटिव। अगर कोई इंसान जो है ना नेगेटिव एस्पेक्ट देता है किसी भी चीज़ में, तो वो हमेशा जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती हैं। इरेशनल थिंकिंग मे डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सोशो कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, आरविंसिटी एंड द एनवायरनमेंट ऑफ अ होम, जो कि हमारे होम घर में इन्वायरमेंट होता है, वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करने में एक फैक्टर अदा करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है किसी में, क्योंकि जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती हैं, गुस्सा आता है लोगों को। कुछ लोग हैं जो कि अपने चोरी चोर बन जाते हैं, इस तरह अलग 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 गंदे गलत काम करने लग जाते हैं, जब मतलब कुछ लोग, अभी जब सारों के भी हम लोग ऐसा होल भी हम नहीं कह सकते, अगर कुछ कोई भी इंसान के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए, तो उस फिर भी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ सकती हैं बच्चे के अंदर। सारी बात है, बच्चे के ऊपर से होगा फिर ही वो एज अ बड़ा होकर वैसे ही बनेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट रूल आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक रीजन्स फॉर एन एबनॉर्मल बिहेवियर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बायोलॉजिकल जो रीजन्स है, जो कि हम लोग जेनेटिकली जो हम लोग लेते हैं, उनको पहले हम लोग देखें, और फिर हम लोग फिर एंड देन टू लुक इन टू साइकोलॉजिकल रीजन्स, फिर हम साइकोलॉजिकल रीजन्स को देखें, एज देयर मल्टीपल कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मल्टीपल कॉजेज होते हैं, जैसे हमने भी ऊपर पढ़ ली, सोसाइटी हो सकती है, हम लोगों की कोई अनफुलफिल्ड विशेज हो सकती हैं जो कि ये कंट्रीब्यूट करती हैं, जीन्स होते हैं हमारे, बायोकेमिकल इम्बेलेंसेज होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है हमारे, हार्मोन्स होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।